नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। नरसिंहपुर चिकित्सालय के अंदर सोशल डिस्टेंस का नहीं हो रहा पालन, सैनिटाइजर से किया जा रहा परहेज। चावला विद्यापीठ की शिक्षिका ऋतु तोमर ने लगाया आरोप। जहां एक ओर कोविड-19 के तहत सभी लोग लड़ाई में एकजुट होकर सामना कर रहे हैं, वहीं जिले के एक प्राइवेट चिकित्सालय निखरा हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चिकित्सालय के अंदर पूर्ण रूप से मास्क का भी उपयोग नहीं हो रहा है। आपत्ति करने वाले मरीजों को बिना इलाज के भगाया जा रहा है, ऐसा ही एक वाक्य चावड़ा विद्यापीठ में कार्यरत शिक्षिका ऋतु तोमर एवं उसके पिता के साथ घटित हुआ। ऋतु तोमर अपने 74 वर्ष के पिता को लेकर निखरा हॉस्पिटल पहुंची, तब वहां ब्लड टेस्ट के लिए टेबल पर से एक व्यक्ति के उठने के बाद उसके पिता को लेटने वहां पदस्थ डॉक्टर द्वारा कहा गया। ऋतु तोमर ने उस टेबल को सैनिटाइज करने के लिए कहा एवं अस्पताल के अंदर मास्क तथा सोशल डिस्टेंस के संबंध में आपत्ति दर्ज करते हुए पालन करने का निवेदन किया। इस पर पदस्थ डॉक्टर ने ऋतु तोमर एवं उसके पिता को उल्टा सीधा बोलते हुए ब्लड निकालने के बाद इलाज करने से मना कर दिया एवं चिकित्सालय से चले जाने के लिए कहा, जिसकी शिकायत ऋतु तोमर ने आवेदन के माध्यम से अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर एवं CMHO को आवेदन देकर की, जहां अपर कलेक्टर ने उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। साथ ही उक्त संबंध में ऋतु तोमर द्वारा पुलिस अधीक्षक को भी इस घटना के संबंध में आवेदन देकर अवगत कराया गया। जिले का प्रशासन अमला पूरी मेहनत से कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहा है, परंतु चिकित्सालयों में लापरवाही पूर्ण कार्य करने के तरीकों से कोविड-19 की लड़ाई में पानी फिरता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि शिकायतकर्ता ऋतु तोमर को प्रशासन किस प्रकार शासकीय कार्यवाही कर न्याय उपलब्ध कराता है। सर, डॉक्टर निखरा हॉस्पिटल के संबंध में श्रीमती ऋतु तोमर के द्वारा कुछ कंप्लेंट आई है, उसके संबंध में सर द्वारा शिकायत की है कि वो प्रॉपर ब्लड सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। इस संबंध में हम उनको एक नोटिस जारी करके हम चेक भी कराएंगे, SDM को हम जांच के लिए लिख रहे हैं। और ये जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल हैं, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में डॉक्टर से बेहतर ये चीज़ कौन जानता है कि सैनिटाइज करना चाहिए। कुछ देखेंगे, चेक कराएंगे, और यदि उसमें जो भी गड़बड़ी होगी उसको उनके लिए उन पर कार्रवाई। सर, हॉस्पिटल के अंदर कल हमने देखा था, वहाँ पे फोटो भी निकाले थे हमने और सोशल मीडिया पे भी वायरल किया था, तो वहाँ देखा कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है सर, तो उस पर सब न्याय। वैसे बात सही है, जो नियोक्ता है, अस्पताल है, उनकी तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा चाहिए कि जहाँ ऐसी भीड़ भाड़ है वहाँ दूर रहें, क्योंकि अकेला डॉक्टर तो अंदर चैम्बर में शायद बैठे रहते हैं, तो फिर भी हम इनके जो अध्यक्ष हैं निजी अस्पतालों वाले, उनके जो अध्यक्ष सचिव हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जो भी अस्पताल में हैं, हालांकि ये इस समय पूरे अस्पताल अभी पूरे फोर्स से तो काम भी नहीं कर रहे हैं, तो ये अपनी जो भीड़ है उसको नियंत्रित करें, क्योंकि बैंकों में भी ये शिकायत आ रही है और यहाँ आ रही है। बाकी जगह तो लगभग सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है जी सर। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इनसे करते हैं, सुनिश्चित कराते हैं, जाँच कराते हैं, अगर नहीं होगा तो ऐसी क्या वजह थी जिसमें डॉक्टर निखरा की शिकायत के लिए आपको यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ आना पड़ा? सर कुछ भी नहीं, कल मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने बस वहाँ पर डॉक्टर साहब को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और बेड सैनिटाइजर की बात कही थी, तो डॉक्टर साहब को इस पर बहुत बुरा लगा और उन्होंने ब्लड सैंपल लेने के बाद भी जाँच से मना कर दिया और तुरंत मुझे छुट्टी दे दी। खबर समय जगत के लिए नरसिंहपुर से राजेश नेमाजुनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।